भैंस की टांग पीछे, इतना सैनिटाइजर नहीं मारो पीछे कोई वीडियो में बेहोश ना हो जाए। बहुत बहुत चलो यार बस बहुत हो गई, पेट में दर्द हो गया भाई। मैं और नमो निकले हैं बाहर वैसे ही मदीना मनोवरा के बाजारों में फिरने के लिए। सुबह का कोई तकरीबन 10:30 बज रहा है, रात को हमने फुल भरपूर नींद ली है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही निकल के बाहर इधर उधर टहले मार रहे हैं, गर्मी हो रही है शदीद किस्म की, लेकिन मदीना मनोवरा में वैसे गर्मी में फिरने में मज़ा आता है। रियाज़ुल जन्नत गई थी तुम रात को? बहुत मज़ा आया था, बहुत। क्या किया तुमने, क्या दुआएं की बताओ ज़रा। दुआएं की सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, दुआएं की। और ख़ास तौर पे मुझे याद आ गया था तो मैंने सब सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ की। और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने की दुआ की। मज़े मज़े की दुआएं की, सबकी सेहत खैर और आफियत और लंबी ज़िंदगी की दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्लाह ताला कबूल करे वाली दुआएं, और अल्लाह ताला हमें ऐसे यहाँ पे बार बार लेके आता रहे इंशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा। और कोई शॉपिंग करनी है तुम्हें? हाँ मुझे शायद कोई अंगूठी लेनी है पत्थर वाली। अच्छा आओ, कहाँ से मिलेगी? अब इधर क्यों जा रहे थे? वैसे ही टहल रहे थे। वो ये भी है देखो सामने सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन से लेते हैं जिससे बाजी ने लिए। वो कहाँ है? वो इधर ही आ गया। चलो उसके अच्छे डिस्काउंट में। बस जैसे ही पूछा कुछ लेना फौरन से हाँ जहन में सोचा हुआ था, लिस्ट बनी हुई थी शॉपिंग करनी। अच्छा ले लो ले लो, फिदा की फिदा की फिदा की, कहते हैं कि आप पे फिदा। कोई बात नहीं, ले लीजिए आइए। थैंक यू, वेलकम। माशाल्लाह चारों तरफ हाजी भाजी फिर रहे हैं फुल ना। कहाँ है वो शॉप? अभी आगे शायद होगी। मतलब ये कैसा पता है आगे शायद होगी? चलो अच्छी बात है, देखते हैं फिर हम चल के। अंगूठी कौन सी, किस टाइप की अंगूठी लेनी? पत्थर वाली, वो अकीक वाली। अकीक वाली जैसे अनुमा में पहनता है। चलो आओ दिलाते हैं फिर तुम्हें अकीक वाली पत्थर की। ये वाली शॉप है, आ जाओ। ऐसे ये जिवेंची का स्टाइल बना हुआ है और इसमें यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं। هذا ايش الحقيقه يا حقيقه وكم سعره 150 150 की है ये वाली। नाइस नाइस, ये चांदी है उसने बताया और ये जबरदस्त किस्म की चांदी है, मतलब हल्की फुल्की भी नहीं। ये साइज है देखो, इससे करके देखो साइज तुम्हारा कौन सा। ये वाला चाहिए। ये कौन सा साइज है? 17.5 है ये। 7 है दी? 7 7 नंबर। ये 12 है, 7 ना। ये देखिए ये लाइट है, ये डार्क है, और ये ऑलमोस्ट सेम है दोनों। ये अच्छा شوف لنا هذا نهايتها كم تطلع وانا زبونك اشترينا امس كمان واحد من اخوك الله يهديك شوف لي هذا كم نهايتها وناخذها بعد العصر بس عشان نطلع. ايوه بعد العصر ان شاء الله جاهز. اوكي مبروك، الله يبارك فيك. ये ऐसी शॉपिंग मुझे अच्छी लगती है, आओ पसंद करो डन करो निकलो। ये देखो ये वाली भाई नमो की अंगूठी है, जबरदस्त किस्म की अंगूठी है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बहुत मुबारक हो नमो। खैर मुबारक। इसमें अकीक लगा हुआ है और ايش الاستون هذا حبيبي؟ ये अमेरिकन जरकोन लगा हुआ है साइड में और ये अकीक है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह मबरूक। हाँ भाई कितने दिनों से चाहिए थी पत्थर वाली? बहुत दिनों से चाहिए थी और वो अकीक वाली मिल गई, बेहतरीन। और उसके साथ जो वर्सेची का डिजाइन बना हुआ है वो नेक्स्ट लेवल है, वो तो चेरी ऑन द टॉप ऑन द केक है। माशाल्लाह चलो मबरूक मबरूक। अभी हमने हमने छोटी होने के लिए दी है तो वो तकरीबन 4-5 बजे मिलेगी। हमारा चेकआउट है तकरीबन 1 बजे, लेकिन हम उनसे कुछ झूलेंगे अभी फुंदुक वालों को कि हम तकरीबन 2-3 बजे तक चेकआउट करेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह करे मान जाएं वो लोग, वैसे तो मान जाते हैं। तो 2-3 बजे तक चेकआउट करके निकल के असर वसर पढ़ के तो बस फिर जब तक टाइम हो जाएगा तुम्हारी अंगूठी मिलने का। और कुछ चाहिए इंशाल्लाह? नहीं स्टेप देखो। और कुछ लेना? नहीं घर पे खा रहे हैं ना, मुझे भूख लग रही है। हाँ चाइनीज़ है, रात को मंगाया था मैंने, उसको गरम गरम करेंगे दोबारा। ठीक है ठीक है। हैप्पी बहुत
अल्हम्दुलिल्लाह चलो थैंक यू सो मच। चलो जी मबरूक हो गया। मदीना से कभी भी कोई भी चीज़ लेने में बड़ा मज़ा आता है ना, है ना। हालांकि शॉपिंग की अलग ही, हालांकि जद्दा में भी मिलती हैं सारी चीज़ें, सब कुछ होता है, लेकिन मदीना की जो वाइब होती है वो बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो चल अब चलते हैं घर, जाके देखते हैं बाजी लोग क्या कर रहे हैं। बाजी का फ़ोन आया था अभी तो मैंने उनको बताया हम डेट पे निकले हैं, तो कह रही है अच्छा अब घर जाके देखते हैं क्या सीन है। वो लोग भी उठ गए सो के। यार मदीना में फिरते हुए ना पता है क्या मज़ा आता है, मेन जो मैंने उस बड़ा फोकस करके एनालाइज किया और सोचा मदीना में फिरने में ये मज़ा आता है कि वो जो लोकल रेजिडेंट वाली फील होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, एक मुसाफिरों वाली हाजियों वाली फील आ जाती है, तो उसमें मज़ा आता है, वो वाली फील आती है कि जैसे आप सफ़र में हैं और कुछ इस तरह से। तो ये मज़ा आता है मदीना। हाय हाय क्या चिलचिलाती हुई धूप है। कल मेरी चप्पल घूम गई थी हरम में, तो देखे मैंने नई चप्पल। अरे वाह बड़ी प्यारी चप्पल है ये तो। कैसे खो गई थी? मस्जिद में भूल गई थी मैं अंदर, फिर हम रख के भूल गई कहाँ। ये होता है हमेशा, वापस उठाना भूल गई नमाज के बाद, और हम चले गए। जब निकले तो अलग मस्जिद से निकले, तो मस्जिद बंद हो चुकी थी जब तक। चलो भाई हम आ चुके हैं अपने होटल, अब ज़रा रिसेप्शन से बोलते हैं कि भाई चेकआउट टाइम जो है उसको ज़रा थोड़ा सा हमें चुलाएं। मैंने उसको बोला बच्चे सो रहे हैं घर पे, अभी हम थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जाएगा जब तक, रोने रोए उसकी जान पे। उसने कहा चलो ठीक है, 12 से 1, 1 से 2 और 2:30 बजे तक आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक अच्छा। हमारे जहन में 2 बजे तक का था, लेकिन हम 2:30 बजे तक चेकआउट कर लेंगे। तुम तो बड़े खुश हो गए आज हैं, अंगूठी ली है तुमने तो जी। कहा कौन सी लिफ्ट आई है भाई? आ गए आगे चलो आ जाओ। हाँ भाई सफ़र अख्तिताम पे पहुँचा और चेकआउट टाइम होने वाला है, बिल्कुल तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन सारा पैकअप चल रहा है, और यहाँ पे फटाफट से व्लॉग जो है वो रेंडर हो रहा है अपलोड करने के लिए, क्योंकि अपलोड करके फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग निकलेंगे। क्योंकि अगर जब तक वेट किया कि जद्दा पहुँच के अपलोड करेंगे तो उसमें 4-5 घंटे निकल जाएंगे, तो 4-5 घंटे तक आप लोग बहुत सारे वो लोग देख लेते हो वो वाला व्लॉग जो है, तो इस वजह से फटाफट ये भी हो रहा है साथ साथ पैकअप के ना। आप लोगों का ख्याल रखता है भाई आपके ना, लाइक कर दिया करो इसी बात। भाई 2:30 से तकरीबन 2:45 बज रहे हैं और चेकआउट हम कर रहे हैं, और अल्लाह भला करे स्टे अच्छा रहा। होटल थोड़ा पुराना था लेकिन यह है कि ओवरऑल स्टे अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से निकलने के बाद सीन यह है कि हमने वेट करना है 5 बजे का, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को दिखाया था पहले कि नम्मो की अंगूठी हमने छोटी होने दी हुई है तो वो लेनी, तो हम यहाँ से निकल के जाएंगे नम्मो को, और बाजी को जाना था हज्जा वाले बाज़ार, तो जो लोकल बाज़ार होता है उधर। साथ ऑलरेडी जा चुका है मस्जिद, वो स्टे करेगा वहाँ पे तकरीबन कोई असर तक, 5 बजे हमें मिलेगा। हम जाएंगे हज्जा का बाज़ार ढूंढेंगे पहले, अगर मिल गया तो इन लोगों को वहाँ पे लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है, फिर आके उनको पिक करेंगे, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह जद्दा के लिए 2-2.5 घंटे के बाद। हाँ भाई ये वाला टाइम जो होता है ना ये थोड़ा सा उदासी वाला टाइम होता है मदीना से हमेशा जाते हुए, जब चेकआउट हो जाता है तो मदीना से ये सामान वामान इस तरह से सामान रखते हुए एक वो वाली उदासी वाली वाइब आती है कि फिर पता नहीं दोबारा कब आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ ये है कि दोबारा इंशाल्लाह ताला खैर से वापस आएं और ये हसीन मौसम हसीन नज़ारे दोबारा से देखें खैर आफियत के साथ, और आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों को लेके आए खैर आफियत से इंशाल्लाह। उदासी थैंक यू भाई भाई जब हम गाड़ी लेके निकल गए तो नम्मो को याद आया कि अच्छा का बाज़ार तो असर के बाद लगता है, अच्छा थैंक यू बड़ी जल्दी याद आया। तो हम फिर वापस होटल आए, हमने उससे रिक्वेस्ट की गाड़ी पार्क की, इन लोगों को हरम भेजा, अब असर का टाइम होने वाला बिल्कुल, और महाद अंदर जा रहे हैं, जाके आराम से नमाज वमाज पढ़ेंगे फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी वज़ू कर लिया मैंने और महद ने अल्हम्दुलिल्लाह, अब अंदर जा रहे हैं मस्जिद नबी के, जाके अंदर बैठेंगे ज़रा तसल्ली से जब तक अजान होती है असर की, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली मैंने और पंपा ने। अब हम लोग निकले हैं यहाँ से, साथ हमारा लॉबी में वेट कर रहा है और अल्लाह भला करे आपका। गर्मी बहुत टाइट है यार, ऐसे लू और सूरज जो लग रहा है ना आके, ओए होए होए सोचा। अंगूठी लेने गए नम्मो और बाजी। क्या है ये? इसमें डायमंड लगे हुए साइड में और ये पत्थर जो है ना अजीब सा, इसका नाम है एक्वा मरीन। एक्वा मरीन कितने की है ये? यू हैव गोल्ड, गोल्ड 18 व्हाइट गोल्ड 18 कैरेट का व्हाइट गोल्ड। ये डायमंड्स है साइड में। और कितने की है ये? देखो फिर भी इसके आगे ये प्यारी लग रही है। अच्छा मिल गई तुम्हारी साइज। दिस वन इज मोर बेटर देन, ये साइज मिल गई तुम्हारी, सही बेहतरीन है। अभी अभी मिली है आपके हाथ। माशा अल्लाह मबरूक। उसको कह रही है इफ आई हैव 12,000 रियल्स आई विल नॉट बाय दिस, आई विल बाय मोर गोल्ड। ओ भाई, अरे मबरूक। हर जगह से मांस खत्म, तवक्कल ना चाहे कोना खत्म, माशाल्लाह सब खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यार बस बहुत हो गई, पेट में दर्द हो गया। और ये इनको पता है कनाडा से कब से चाहिए था और हमें नहीं मिला था। शॉपिंग हुई और ये इन्होंने इतने खुश हैं कि इनको ये मिल गया। माशाल्लाह वेरी नाइस, फाइनली इनको ये मिल गया। नाम हो जाएंगे तो स्पार्क को मैंने का थोड़ा खुश हो जाएंगे। मैंने का एक शादी के लिए ले लो, एक अपने लिए ले लो। चलो भाई पार्टियों, अब हम निकल रहे हैं मदीना मुनव्वरा से अपने घर के लिए। खाना वाना हमने फुल इतना खा लिया है कि अब इतनी शदीद नींद आ रही है, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं निकल जाते हैं, 7:15 बज रहे हैं शाम के। बाजी क्या कहना चाहोगी अपने मदीना के सफर के बारे में? भाई बहुत 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 मजा आया और इतना ड्रीम वाला सफर था, ऐसा लग रहा था जैसे ड्रीम केम ट्रू, तो वो हो गया था। और खूब हमने मस्जिद नबवी जाके हमने बहुत अच्छे से इबादत भी करी, बाजार में नीचे घूमे भी, अच्छा खाना पी, बहुत यमी यमी खाना खाया और बहुत मज़ा आया। और मैं अगेन मान का और नम्मू का इतना जज़ाकल्ला खैर करूँगी कि उन्होंने हमें इतने प्यार से लेकर आए, पूरा इतना लॉन्ग ड्राइव करके इतनी गर्मी में हमें हर हर जगह इतने करीब रुकवाया, फिर हम बहुत इजीली सब गए और अंगूठी दिलाई मुझे मान ने, नम्मू को भी दिलाई। तो बहुत बहुत जज़ाकल्ला खैर मान तुम्हारा, अल्लाह में तुम्हें जजाय खैर दे और हमेशा हमेशा खुश रखे और खूब फूलो फलो, खूब कामयाबी कामरानी, सब तुम्हारे कदम चूमे और खूब तुम्हारे अल्लाह में तुम्हें इज्जत शोहरत दौलत सेहत हर हर जी क्लास हर हर नेमत से नवाजे। खूब तरक्की करो, हमेशा खुश रहो दोनों। चलें अब निकले। अब हम यहाँ से फूड पांडा से इतना खाना खा के निकल रहे हैं, इतना खाना खा लिया है। अच्छा। अब हम यहाँ से फूड मास्टर से खाना खा के निकल रहे हैं और इतना खाना खा लिया हमने कि अब मान ने शायद रखी कि हम में से कोई सोएगा नहीं, सोएगा नहीं गाड़ी में। बस अगर कोई सोया तो मैंने मेरिंडा बचाई हुई है अपने पास, मेरिंडा फेंकूंगा उसके ऊपर मैं, भले वो कितना चिपचिप होके उठे। बस अब देखते हैं कौन पहले सोता है। नम्मो ने जानबूझ के पीछे बैठी है कि पहले ट्रिप में तुम आगे रहो फिर वापसी में। हाँ मुझे पता है ये बोलती है लेकिन सोती जरूर है। अब देखते हैं अभी कैसे गुजरता है। चलो फिर अब निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला रास्ते में अब सास को भी रुकेंगे। सही है, चलो चलो खैर से पहुंचते हैं इंशाल्लाह। आ जाओ भैया आ जाओ। पहला मोहत्ता है मदीना से जद्दा जाते हुए और बड़ी प्यारी मस्जिद बनाई है इन लोगों ने, नई बनाई है। मगरिब के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे, मगरिब पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब सीधा निकलेंगे जद्दा के लिए। तो भाई पार्टियों, सास को भी रुके हैं हम और अल्लाह भला करे आपका, 9:07 हो रहे हैं और हल्की हल्की नींद आ रही थी, तो हमने कहा ज़रा रुकें और अल्लाह भला करे आपका कोई कॉफ़ी शॉफ़ी की गेम ऑन करें।
तो अब ज़रा नमाज भी पढ़ेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा सा फ्रेश हो के। वैसे तो मैं कॉफ़ी नहीं पीता इतनी, लेकिन अब ज़रूरी हो गई है। कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जब तक ये लोग वॉशरूम वगैरह से होंगे फिर निकलेंगे दोबारा इंशाल्लाह टूवर्ड्स जद्दा। पार्टियो क्या टाइम हो रहा है? 11:30 शदीद 11:30 ओ क्लॉक हो रहे हैं इस वक्त। अल्लाह का शुक्र है हम लोग खामोशी से व्लॉग कर ले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए। पार्टियों स्लीप, हम घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। शदीद थकन हो रही है और शदीद नींद आ रही है। असल में हम लोग फुल पेट खाना खा के और फिर उसके बाद निकल चले थे। अब वो भाई अभी इस वक्त हाथ ना काट लियो प्लीज़, मेरा कोई मूड नहीं है इस वक्त कोई। मैं उस पर भी टिश्यू रख के साइड पे कर दूंगा कि भाई सुबह जब मेड आएगी 9 बजे तब कुछ होगा। छोड़ दो मैं कर देता हूँ, अभी कोई नहीं मर रहा प्यास से। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बस अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, सोते हैं, नींद आ रही है कुत्तों वाली। सुबह मेड आएगी, सुबह मेड आएगी कि क्या कहानी है ये मैं आपको कल बताऊँगा। सुबह 9 बजे मेड आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रहा। चलो अभी बता देता हूँ। हाथ के हाथ नमो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, एक कंपनी का ऐड आया, उसमें उसने फ़ौरन से रजिस्टर कर लिया और सुबह 9 बजे की मेड स्केजुअल कर ली। और अभी हमें ये सोच के हॉल उठ रहे हैं कि सुबह 9 बजे अगर मेड आ गई तो क्या होगा, कौन उठेगा उसके लिए ये सार। ओ भाई छोड़ दे पानी की बोतल, मैं खोल देता हूँ आके अभी। अच्छा हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ तो नम्मो ने सुबह की मेड स्केजुअल कर ली है 9 बजे की। बेटा सुबह जो 9 बजे मेड आएगी ना तो उसके लिए आप ही दरवाजा खोलेंगे और जितने कमरे सामने दिखेंगे आधा घर वही आप साफ करवा लिएगा, बाकी मेरे कमरे की तरफ तो दूर दूर से देखना भी नहीं। शक्ल देख कैसे तेरी चाइनीज जैसी हो गई है इस वक्त जाग जाग के ना। और बात सुनो, ओ हेलो, मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाना सुबह। हाँ जरा भी नहीं कटकना चाहिए दरवाजा। 9 बजे नहीं उठूंगी बता दिया मैंने अभी। हाँ तुम उठ जाओगी 9 बजे? चलो पार्टी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं कहता मैं कौन सा ट्रक के नीचे आ रहे थे तुम। चलो गुड नाइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नींद आ रही है हमें इसलिए हम कुत्ता वाला हंस रहे।